सचिन के प्यार के खातिर चार बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आने वाली पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने फिल्म साइन कर ली है। जल्दी वो अभिनेत्री बनने वाली हैं। ये खबर तो आपने सुन ही लिया होगा। वहीं अब एक पार्टी ने सीमा को अपने सिंबल पर चुनाव लड़वाने का ऐलान किया है। जी हाँ, सही सुना आपने, अब सीमा की राजनीति में एंट्री हो गई है। सीमा हैदर को एनडीए की सहयोगी और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई ने पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। बताया जा रहा है कि सीमा हैदर ने भी आरपीआई के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। पार्टी के पदाधिकारियों का दावा है कि सीमा को पार्टी महिला विंग की अध्यक्ष बनाया जाएगा, साथ ही उनकी बोलने की शैली को देखते हुए पार्टी प्रवक्ता भी बनाया जाएगा। यहां तक कि आरपीआई के सिंबल पर सीमा हैदर को चुनाव लड़वाने की बात कही जा रही है। अब बस पार्टी को सुरक्षा एजेंसियों की जाँच में सीमा को क्लीन चिट मिलने का इंतजार है। आरपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मासूम किशोर ने जानकारी देते हुए बताया कि सीमा हैदर पाकिस्तानी नागरिक हैं और भारत आई हैं। अगर हमारी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सीमा को क्लीन चिट मिलती है और उसे भारत की नागरिकता मिल जाती है तो सीमा का पार्टी में स्वागत किया जाएगा। बाबा साहेब का बनाया हुआ कानून की जिसको भारत की नागरिकता है वो कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। मासूम ने आगे कहा कि अभी तक की जांच में उसके ऊपर कोई दोष नहीं सिद्ध हुआ है। अगर उसे सुरक्षा एजेंसियों से क्लीन चिट मिलती है तो हम उसे प्रवक्ता भी बनाएंगे क्योंकि वो एक अच्छी वक्ता है। अगर भारत की नागरिकता मिल गई तो रिपब्लिकन पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव भी लड़वाएंगे, 2024 में भी चुनाव लड़वा सकते हैं। बस शर्त ये है कि उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। बताते चले कि रामदास अठावले राज्यसभा सांसद हैं और केंद्र सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक राज्य मंत्री हैं। बताते चले कि रामदास अठावले राज्यसभा सांसद हैं और केंद्र सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर बयान दिया था कि इस हिंसा में आतंकवादियों का हाथ है। उन्होंने कहा था कि म्यांमार से मणिपुर में घुसपैठ कर ऐसे स्थिति उत्पन्न करवाई जा रही है। राज्य हो या केंद्र सरकार लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। ये आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनको पार्टी का महाराष्ट्र में अच्छा वोट बैंक माना जाता है। तो इन बातों से ये साफ हो गया कि सीमा हैदर को बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं। पहले उन्हें गुजरात से ऑफर आया 1 लाख सैलरी पे काम करने का, इसके बाद उन्हें फिल्मों से ऑफर आया, इसके बाद अब इन्हें राजनीति में जुड़ने का मौका मिला है। अगर सीमा हैदर चाहें तो भारत की नागरिकता मिलने के बाद वो राजनीति में अपना किस्मत आजमा सकेंगी। बहरहाल इस खबर पे आपको क्या कुछ कहना है इस वीडियो में? बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस तरह के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।